वॉकिंग टूर ऑफ रशियन बीच गोवा। यस, आप लोग सही सुन रहे हैं, अभी मैं हूँ गोवा के रशियन बीच पर और यहाँ से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा और आपको बताने का भी प्रयास करूँगा कि गोवा की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, मीन्स प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ गोवा। तो आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कितने क्राउड हैं, क्या क्या है, इन सारी चीज़ों से आप अवगत हो जाओगे। अभी फ़िलहाल मार्च का मंथ चल रहा है और मार्च में बहुत ही ज़्यादा क्राउड या फिर एक हैं रशियन पर्यटक गोवा के रशियन बीच पर आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कितना अच्छा माहौल, बिल्कुल प्लेन सैंड यहाँ पे दिख रही है। गोवा का रशियन बीच मतलब अरंबोल बीच, जो कि नॉर्थ गोवा के अंतर्गत आता है। अगर आप मार्च मंथ में या इसके बाद आ रहे हैं तो आपको प्रेजेंट सिचुएशन जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर फ़िलहाल अभी नहीं बल्कि अप्रैल लास्ट से बारिश स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अप्रैल तक ज़बरदस्त टूरिस्ट सीजन रहता है यहाँ पर और ज़बरदस्त विदेशी पर्यटक आते हैं। अभी फ़िलहाल दोपहर के 3 बज रहे हैं, इसलिए मैक्सिमम लोग कहाँ पर हैं, या तो सैक्स में बैठे हैं या तो नहा रहे हैं। बीच में आपको कोई नहीं दिखेगा, मतलब जहाँ पर अभी मैं वॉक कर रहा हूँ इस एरिया में कोई नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको आगे चल के विदेशी पर्यटकों को भी दिखाने का प्रयास करूँगा और साथ ही साथ पूरा माहौल दिखाने का भी प्रयास करूँगा। तो अभी मैं हूँ नॉर्थ गोवा के एक फेमस बीच पर जिसे अरंबोल बीच कहा जाता है, और आप अगर मार्च में आ रहे हो तो आपको 2-3 चीज़ें जानना ज़रूरी है कि मार्च में अगर आप आओगे तो यहाँ पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर अप्रैल से बारिश स्टार्ट होती है। अभी फ़िलहाल बहुत ही गर्मी है, तो आप सनस्क्रीन लेके आएं, ऐसा ना कि आप इन विदेशी लड़कियों की तरह ऐसे सैंड में बिल्कुल भी नहीं लेट सकते। ये तो रशियन हैं, इनके यहाँ बहुत ठंडी होती है, इसलिए ये लोग यहाँ पर गर्मी का मज़ा लेने आते हैं, लेकिन हम लोग अगर इस सैंड में बैठ भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो आप सनस्क्रीन और या फिर अपना कुछ भी अम्ब्रेला लेकर आएंगे तो वो ही बेटर हो सकता है, बट अम्ब्रेला लेके कोई नहीं आता, नॉर्मली सभी सनस्क्रीन यूज करते हैं और बेटर होता है यहाँ पर। अगर आप केवल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए आ रहे हो तो आप अम्ब्रेला कैरी कर सकते हो। आप देख सकते हैं मेरे सामने से विदेशी पर्यटक जा रहे हैं और मैं अभी हूँ लगभग मांड्रम बीच एंड अरंबोल बीच के मध्य वाला जो एरिया है, या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों जो बीच हैं आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको पर्टिकुलर नहीं बता सकता कि कौन सा मांड्रम है कौन सा अरंबोल है, बट बीच वाला एरिया है दोनों बीचों के। अरंबोल बीच से मैंने चलना स्टार्ट किया और आगे की तरफ चल के मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी जानना चाहते हैं रशियन प्लेसेज इन गोवा, रशियन बीच इन गोवा, बेस्ट प्लेसेज इन गोवा, फेमस प्लेसेज इन गोवा, टूरिस्ट प्लेसेज इन गोवा, रशियन बेस्ट बीचेज, रशियन फेवरेट बीचेज इन गोवा, गोवा रशियन प्लेसेज, रशियन इन गोवा एंड फेमस बीचेज इन नॉर्थ गोवा, बेस्ट बीचेज इन नॉर्थ गोवा, टूरिस्ट बीचेज इन नॉर्थ गोवा बेस्ट बीचेज, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसी वीडियो से रिलेटेड है। और अगर आपको और वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ब्यूटीफुल सैक्स यहाँ पे लगी हुई है येलो एंड रेड में, और विदेशी लोग यहाँ पे अपना एक्टिविटी कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ लिख दिया है इन्होंने हाथ से, देखो सैंड में भी लिख दिया है। तो ऐसे ही कलाकार एंड आर्टिस्ट लोग यहाँ पे मिलते रहेंगे आपको, जो कि सैंड में आर्ट बना देते हैं, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त कलाकारी यहाँ पे करते हुए नज़र आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं माहौल कैसा है, माहौल बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पे। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर व्यू, ज़बरदस्त व्यू के साथ आप गोवा के रशियन बीच पर एक बार ज़रूर ज़रूर आना। अरंबोल बीच की दूरी की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज में भी बताया है कि लगभग 35 किलोमीटर दूर है पंजिम सिटी से, और रशियन लोगों का बहुत ही पसंदीदा एंड फेवरेट बीच है।
तो अगर आप मार्च में आ रहे हो तो गोवा की प्रेजेंट सिचुएशन ये है, और मार्च में मैं 100% रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पर अप्रैल 31 तक ज़रूर आ सकते हैं, उसके बाद तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अप्रैल 31 तक आप गोवा विजिट कर सकते हो। और अभी का माहौल आप देख सकते हैं, ये पूरा रशियन एरिया है। अरंबोल बीच में भी दो पॉइंट हैं, एक तो इंडियन एक रशियन। इंडियन पॉइंट क्या है, जहाँ पर मेन एंट्रेंस है वहाँ पर इंडियंस इंडियंस रहते हैं, जब आप आगे की तरफ आओगे तो यहाँ पर विदेशी विदेशी एंड रशियन मिलेंगे। तो मिलते हैं गोवा के एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।